कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, पर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्या ये प्यार है या धोखा है। ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक सर्वे किया जाए जिसमें पता चलता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर अगर रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति रहता है और उसे पूछा जाए कि शुरुआती दिनों में आपका रिलेशनशिप कैसा था, तो हर व्यक्ति यही बताए कि शुरुआती दिनों में मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। किसी का भी रिलेशनशिप शुरू में खराब नहीं होता है। जब वो 4-6 महीने उस व्यक्ति के साथ रहता है, तब वो समझता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका यूज कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है, उसके साथ चीट कर रहा है। ये तब पता चलता है जब 3-4 महीने बीत जाते हैं, जब वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता है। तो कैसे पता करें, आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे, जानेंगे कि जो व्यक्ति आपके साथ आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या वो सच में आपसे प्यार करता है या आपसे धोखा कर रहा है। जो भी व्यक्ति ये जानना चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको कुछ ऐसा टिप्स देती हूँ जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है, आपके रिलेशनशिप को सही करता है। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F है। बी ई के पति का भाई है, बी ए का पिता और एफ का दादा है। समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। आपको बताना है माँ कौन है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो आपको करना क्या है। देखिए, जब भी इंसान किसी से प्यार करता है, उसके लिए जो भी कुछ करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है ना, तो वो सिर्फ स्वार्थ के लिए ही जुड़ता है, भले उसे बातों में घुमा फिरा के कुछ भी कहा जाए। अब ये देखना है कि स्वार्थ कितना ज्यादा होता है या कम होता है। कहीं ना कहीं स्वार्थ तो होता है। अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, बहुत ज्यादा अफर्ट कर रहा है, और आप ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना कुछ कर रहा है, आपकी फीलिंग समझ रहा है, आपके लिए दिन रात एक किए हुए, आपसे मिलने के लिए बेचैन है, तड़प रहा है, और आप भी इमोशनल हो जाते हो, आप भी उस पर बहुत जल्दी भरोसा करने लगते हो, आप भी जो वो चाहता है वो करने के लिए तत्पर हो जाते हो। देखिए, यहाँ पे सभी स्वार्थ के लिए ही करते हैं, कुछ धीरे धीरे करते हैं, कुछ लोग किसी चीज को हासिल करने के लिए पागलपन की हद से गुजर जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि पागलपन की हद से गुजर जाते हैं, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो व्यक्ति आप पे अधिकार भी जताते हैं, वो आपको अपना मान लेते हैं, फिर आपके लिए वो बंधन हो जाता है। अब आप उनकी बिना मर्जी के कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने कुछ किया भी ना, तो क्रोध भी उसी पागलपन की हद तक करेंगे। ऐसे लोग बहुत होते हैं। यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा इमोशनली कम हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, मैच्योर रहें, चीजों को समझने की कोशिश करें। कम से कम ऐसे रिलेशनशिप में जहां आपका रिश्ता अभी सिर्फ 1 या 2 महीने हुआ है, वहां फिजिकल होने की बहुत जल्दबाजी ना करें। थोड़ा वक्त दे अपने रिश्ते को, थोड़ा समझें, थोड़ा जानें। अगर आपका रिलेशनशिप 4-6 महीने बहुत अच्छा चल रहा है, आपको बिलीव हो रहा है, भरोसा हो रहा है कि इंसान आपको धोखा नहीं देगा, आपके साथ चीट नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा, तो आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते में आते हैं और आपसे एक शर्त रखते हैं कि पहले हम फिजिकल हो जाते हैं, उसके बाद हम रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो रिलेशनशिप पहले ही समझ में आ रहा है कि इंसान शर्त रख रहा है। कोई भी इंसान सौदा करता है क्या प्यार में? लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ऐसे मेरे पास कई कॉल आते हैं जहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसे में क्या किया जाए। कई रिलेशनशिप तो लंबे चलते हैं, 2 साल 3 साल, लेकिन उन रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मेरे पास ऐसे भी कॉल आते हैं जिनको रिलेशनशिप में आए कई साल हो गए हैं, लेकिन वो यही कहेंगे कि कुछ दिनों तक तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है,
हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है। अगर हम उससे बात करने के लिए बोलते हैं, टाइम मांगते हैं, तो हमें डांटता है, गालियां भी बकता है, गालियां देता है, अब्यूज करता है। तो उसे समझाइए, उससे बात करिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको समझने की जरूरत है। जब आपको पता चल चुका है सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो आपसे सही तरीके से पेश नहीं आ रहा है, 3 साल रिलेशनशिप को हो गए, साल भर आपका रिलेशन अच्छा चला, लेकिन आप सही नहीं है, तो यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि क्या ऐसे रिश्ते में आप लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। जिस व्यक्ति से आपको बात करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है, क्या आप खुश रह पाएंगे ऐसे रिश्ते में? थोड़ा सा अपने आप में समझने की जरूरत है, यहाँ किसी और को नहीं समझाना है। अगर आप ऐसी लाइफ पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको धुतकारे, आप उसके पीछे पड़े रहें, आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप उससे प्यार करते हैं, आपको क्रश हो गया है, आपको वो व्यक्ति पसंद आ गया है, अब आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो यहाँ पे दूसरे को नहीं समझाया जा सकता, यहाँ आपको समझने की जरूरत है। और ऐसे कई लोगों के साथ होता है कि जब शुरू में उनका रिलेशन बनता अच्छा रहता है, लेकिन बाद में वो व्यक्ति उनके साथ कुछ भी गलत करता रहता है, लेकिन फिर भी आप इमोशनल हो जाते हो, आप उनसे प्यार करने लगते हो, आपकी फीलिंग उनसे कनेक्ट हो जाती है, आपका अटैचमेंट हो जाता है। उसके बाद अगर वो आपके साथ बदतमीजी भी कर रहा है, आपके साथ गलत व्यवहार भी कर रहा है, तो आप सोचते हो कि मैं इस व्यक्ति को कैसे छोड़ दूं, मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं, आप सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाते हो। यहां तक कि ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शादी भी कर लेता है, फिर भी आप उससे 2 मिनट बात करने के लिए तड़पते रहते हो, मिलने के लिए तड़पते रहते हो कि बस मुझसे बात कर ले, बाकी अपनी लाइफ में कैसे भी जिए, क्या फर्क पड़ता है। समझने वाली बात है, रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है, जैसा हम सोचते हैं ऐसे खुशियां नहीं मिलती है, ऐसे जिंदगी भर परेशानियां रहती हैं। समझो थोड़ा सा आप लोग, एक रिश्ता चलाने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। अगर आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह से फिट हैं, सही है, परफेक्ट है, तो आप एक सही रिश्ते के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, कैसे पता चले कि जो व्यक्ति हमारी लाइफ में आ रहा है वो व्यक्ति हमारे साथ धोखा कर रहा है या सच में प्यार करता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी है, उसने एक जानवर का बच्चा पाला, वो उसकी बहुत केयर करता है, बहुत अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे हलाल कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर आपकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, आपकी बहुत आवभगत कर रहा है, आपके बहुत ज्यादा पीछे पड़ा है, तो कुछ ना कुछ उसका भी तो स्वार्थ होगा ना। मैंने पहले ही बताया है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अपनी लाइफ में उसे लेके आते हैं, तो हमारा कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। अगर वो कर रहा है तो उसका स्वार्थ है, अगर आप कर रहे हो तो आपका स्वार्थ है। भले आप इसे प्यार का नाम दो, इमोशंस कहो या जो भी कहो, पर कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया अभी, अगर आप समझ सकते हो तो इन चीजों से समझ जाना चाहिए आपको कि आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, भावुक नहीं होना है, थोड़ा मैच्योर होना है, समझदार होना है, अपने रिश्ते को टाइम देना है। कम से कम 3 से 4 महीने तक आप किसी भी व्यक्ति को बिना समझे, बिना जाने अपने आप को उसके हवाले ना कर दे कि वो जो चाहे वो आपके साथ करे। और जब आप उसके साथ इस तरह से टाइम बिता लेते हैं, समय गुजार लेते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि वो व्यक्ति लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेगा या नहीं रहेगा। एक सही रिश्ता निभाने के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये समझना बहुत जरूरी है। पुरुष है यदि तो उसे ये जानना चाहिए कि अगर मैं अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति को लेके आ रहा हूँ, क्या मैं उसके खर्चे उठा सकता हूँ, क्या मैं इमोशनल इतना स्ट्रांग हूँ कि अगर कोई बात हो जाती है तो मैं उसे बर्दाश्त कर सकूँ, क्या सामने वाला अगर कुछ उल्टा सीधा भी बोलता है, कभी कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो क्या मैं उसे संभाल पाऊँगा, क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा।
एक लड़की है उसे भी ये सोचना चाहिए रिलेशनशिप में जाने से पहले कि क्या मैं तैयार हूँ एक जिम्मेदारी उठाने के लिए, एक फैमिली की, एक परिवार की, मैं एडजस्ट कर पाऊंगी, क्या मैं मैच्योर हूँ। अपने आप से सवाल करिए। अगर आप इन सब चीज़ों को समझ के एक रिलेशनशिप में आएंगे तो रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी आम लोगों की ज़िंदगी में होती है। मेरे पास कई ऐसे कॉल आते हैं जो ज़्यादा रिलेशनशिप में परेशान होते हैं। या क्यों होती है? सिर्फ मैच्योरिटी ना होने की वजह से, समझदारी ना होने की वजह से। उदाहरण के लिए अगर आपको एक न्यू गाड़ी मिलती है और आप बिना सीखे उस गाड़ी को लेकर रोड पर निकल जाओ तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। लेकिन अगर आप उसी गाड़ी को सही तरीके से ड्राइविंग सीख जाते हो उसके बाद लेके रोड पे निकलते हो तो बाई चांस एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसी तरह से रिश्ते भी है, रिलेशनशिप को भी समझना पड़ेगा। जब तक आप उसके लिए मैच्योर नहीं होते हो, जब तक आप रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से नहीं समझते हो तो अगर किसी से भी रिलेशनशिप बनाओगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, ये निश्चित है। और फिर पूरी ज़िंदगी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर आप अनचाहे रिश्ते में आ गए या कोई मजबूरी के कारण रिलेशनशिप में आ गए तो फिर पूरी ज़िंदगी उस रिश्ते को ढोना पड़ता है, कभी समाज की परवाह करके, तो कभी घर वालों की परवाह करके, तो कभी अपनी मजबूरियों का हवाला देके। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आप ऐसी मजबूरी, ऐसी परेशानी, ऐसी समाज की परवाह में ना फंसे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करें। रिलेशनशिप में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, 1-to-1 गाइड चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पर DM करें। रोज़ाना अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके मैं सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।